Okay, hello student. So today your drawing topic is tortoise and I am going to teach you how to draw a tortoise. So let's start. So first step is you have to draw a line in the center of your page like this. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस और हम इसको थोड़ा सा और आगे की साइड बढ़ा के इसको हम यहाँ से थोड़ा कम भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो गई है. इसके बाद अब आपको एक डी शेप बनाना है लाइक दिस. तो आपको ये एक शेप ड्रॉ करनी है. Like this. Okay. So first step is you have to draw a line and then draw a D shape, half semicircle like this. Okay. So next step is you have to draw a head of tortoise. For head drawing you have to draw a curved face like this. First you have to draw basic structure. And then you have to erase extra lines like this. Okay, so I'm going to repeat this step. फर्स्ट आपको उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड लेना है लाइक दिस. आपको ऐसे उसको टर्न लेना है लाइक दिस एंड देन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, ओके, तो ये हो गया आपका फेस ऑफ टॉर्टोइस यानी हेड जो है आपका टॉर्टोइस का वो. ओके, सो दिस इज योर हेड ड्राइंग ऑफ टॉर्टोइस. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड ड्रॉ अ लेग्स ऑफ टॉर्टोइस लाइक दिस. तो यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट लेग इज हियर विद दिस शेप. सेकेंड इसकी बिल्कुल बैक साइड पे लाइक दिस. फिर थर्ड इज हियर सेम शेप एंड देन फोर्थ इज हियर लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द लेग्स ऑफ टॉर्टोइस. नाउ यू हैव टू ड्रॉ हिज स्माइल लाइक दिस and draw shape of 8 for his eyes which is very cute like this and draw nails like this. Okay, and draw a tail like this. And draw small circles. You can draw a circles freehand beta. आपको यहाँ पे freehand circles draw करने हैं.
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब आपको इसके बीच में सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। आप ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो योर टर्टलाइज ड्रॉइंग इज रेडी नाउ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कलरिंग। टेक अ ब्लैक स्केच पेन फॉर आउटलाइन एंड ड्रॉ आउट आउटलाइन वेरी नीट एंड क्लीन लाइक दिस। ओके, बेटा यू हैव टू ड्रॉ आउटलाइन वेरी नीट एंड क्लीन सो रिजल्ट विल बी गुड। ओके, सो टेक अ रबर सॉरी टेक अ इरेजर एंड इरेज एक्स्ट्रा ऑल लाइंस ऑफ पेंसिल लाइक दिस। ओके, सो योर टर्टलाइज ड्रॉइंग इज रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कलरिंग। हेयर आई एम यूजिंग ऑयल पेस्टल कलर। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर विच यू हैव। सो टेक कलर फर्स्ट, यू हैव टू पिक अ ब्राउन कलर। सो वी आर गोइंग टू पिक अ ब्राउन कलर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल ब्राउन कलर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल आउटलाइन लाइक दिस। बेटा हेयर आई एम यूजिंग ऑयल पेस्टल कलर। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर विच यू हैव। यू कैन यूज वॉट सॉरी यू कैन यूज पेंसिल कलर, यू कैन यूज वैक्स कलर्स, यू कैन यूज ऑयल पेस्टल कलर। जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम।
ओके जस्ट वेट। बट आई फील ओवरऑल योर ड्रॉइंग लाइक दिस, इट्स अ इजी स्टेप टू फील इट। अब आपको इसको थोड़ा सा लाइटली यहां से एक एक स्टेप थोड़ा सा लाइटली डार्क करना है लाइक दिस। ओके नाउ टेक अ डार्क ब्राउन कलर। अगर आपके पास डार्क ब्राउन कलर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी को थोड़े उससे डार्क कर लोगे तो भी चल जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो वेट। तो इफ पॉसिबल बेटा तो आप इसी को थोड़ा सा डार्क कर सकते हो लाइक दिस। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको पहले इसे ब्राउन फिल करना है। एंड देन उसके ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक फिल कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो डार्क हो जाएगा। ओके सो मैं इसमें थोड़ा सा लाइटली डार्क करने के लिए उसको थोड़ा सा ब्लैक फिल कर रही हूँ लाइटली। ठीक है तो स्लाइटली आपको डार्क ब्राउन यूज करना है। अगर आपके पास डार्क ब्राउन नहीं है तो आप ब्राउन को भी थोड़ा सा प्रेशर देके उसको तो उसे डार्क फील दे सकते हो लाइक दिस। अभी आपने देखा ना थोड़ा सा ये डार्क है। ओके तो आपको स्लाइटली ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ठीक है तो अब आपको लेना है ब्राउन कलर और आपको यही ब्राउन कलर इसकी टेल में करना है लाइक दिस। और फिर आपको वही ब्राउन कलर इसके नेल्स में करना है लाइक दिस। ओके सो अभी जो उसका जो उसकी फेस है और लेग्स हैं इसके लिए हम लेंगे ग्रीन एंड वी हैव टू फिल ग्रीन कलर। तो टेक अ ग्रीन कलर एंड फिल हेयर लाइक दिस। ओके एंड जो उसकी आईज है आपको बेटा वो वाइट ही लेफ्ट करनी है, यानी वाइट ही छोड़नी है। ओके तो योर टॉर्टोइज कलरिंग इज रेडी एंड योर टॉर्टोइज ड्राइंग इज रेडी नाउ। योर टॉर्टोइज ड्राइंग इज कंप्लीट एंड रेडी।